रामपुर नाम के गांव में सेठ धनियालाल का पेट्रोल पंप था। आसपास के किसी भी गांव में कोई पेट्रोल पंप नहीं था और सभी लोग धनियालाल के पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल डलवाने आते थे। धनियालाल अपने पास आने वाले ग्राहकों से बातें तो बहुत मीठी मीठी करता था, पर बड़ा ही चालाक और लालची किस्म का आदमी था वो। आओ आओ राजू भाई, क्या बात है? गाड़ी तो बहुत चमक रही है आज। नहीं नहीं सेठ जी, ये तो मेरी पुरानी ही बाइक है। काफी ध्यान रखते हो गाड़ी का, बताओ कितने का पेट्रोल डाल दूं? 200 का डाल दीजिए। वैसे धनियालाल जी, पहले 200 के पेट्रोल में आधी टंकी हो जाती थी, अब तो सुई आधी से कम पर ही रह जाती है। अरे राजू भाई, तुम्हारी बाइक की सुई में कोई दिक्कत आ गई होगी, हमारे यहाँ कभी कम पेट्रोल नहीं मिलेगा तुमको। अच्छा ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। धनियालाल ने अपने मशीन के मीटर को कुछ इस तरह से सेट कर रखा था कि अगर कोई 100 रुपए का पेट्रोल डलवाता तो सिर्फ उसको 80 रुपए का ही पेट्रोल मिलता, पर बेचारे गांव वालों के पास तो कोई और दूसरा चारा था भी नहीं। तभी कालू टैक्सी वाला आया धनियालाल के पेट्रोल पंप पर। उसने 100 रुपए का पेट्रोल भरने को बोला। उसने देखा कि धनियालाल के यहाँ तो पेट्रोल शहर से भी महंगा बिक रहा है। उसने धनियालाल को बोला, ओ सेठ जी, कल मैं शहर गया सीगा, उत्थे तो पेट्रोल 97 रुपए प्रति लीटर मिलता हैगा, तुहाडे वेले 3 रुपए प्रति लीटर महंगा कीवे? धनियालाल को गुस्सा आ गया। वो कालू टैक्सी वाले से बोला, जिस रेट मेरे को मिल रहा है उसी रेट पर ही तो बेचूंगा, अपना घाटा करके बेचूं क्या पेट्रोल? भरवाना है तो भरवाओ, नहीं तो कहीं और से भरवा लो। कालू चुपचाप सुनता रहा और पेट्रोल भरवा के आगे चला गया। आसपास कोई पेट्रोल पंप और था भी नहीं, जिसकी वजह से सभी को मजबूरी में आकर धनियालाल के यहाँ से ही पेट्रोल भरवाना पड़ता था। धनियालाल एक तो पेट्रोल कम डाल रहा था और ऊपर से 3 रुपए प्रति लीटर महंगा भी दे रहा था। इससे गांव के किसान भाइयों को परेशानी होने लगी। उन्हें महंगा और कम पेट्रोल मिलता था, जिससे वहां के लोगों को ट्रैक्टर चलाना बहुत महंगा पड़ रहा था। सभी धनियालाल से परेशान हो गए थे, पर मजबूरी के कारण उनको वहीं से पेट्रोल डलवाना पड़ता। देखते ही देखते धनियालाल खूब अमीर होता जा रहा था। वो गलत रास्तों पर चलने लगा। रोज शाम को वो शराब पीता और मीट मांस खाता। धनियालाल का लालच भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसने एक शाम को अपने वर्कर्स को बुलाया और बोला, सुनो दोनों मेरी बात, अब से रोज शाम को तुम पेट्रोल के साथ केरोसिन ऑयल मिला दिया करना, ताकि हम और मुनाफा कमा सकें। तभी सोहन बोला, पर मालिक, केरोसिन ऑयल मिलाने से और मिलावटी तेल बेचने से तो गांव वालों को परेशानी होगी, हमें मिलावटी तेल नहीं बेचना चाहिए। धनियालाल भी गुस्से में बोला, अब तू सिखाएगा मुझे, चुपचाप काम कर और जो मैं बोलता हूँ वैसा ही करो, नहीं तो तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगा। अब धनियालाल मिलावटी पेट्रोल भी बेचने लगा। गांव वालों की गाड़ी धुआं ज्यादा करने लगी और माइलेज भी बहुत कम देने लगी। पप्पू मिस्त्री के पास लोगों की लाइन लगने लगी बड़ी बड़ी। सोहन ने पप्पू मिस्त्री से पूछा, अरे भाई चक्कर क्या है? गाड़ी का ना माइलेज आ रहा और धुआं भी ये बहुत छोड़ रही है, इंजन में ज्यादा कचरा आ रहा है, लगता है आपका तेल मिलावटी है। अब सभी गांव वाले तंग आ चुके थे। वो सब इकट्ठा हुए और उन्होंने पुलिस कंप्लेन करने की सोची। सभी गांव वाले मिलकर पुलिस थाने गए और वहां उन्होंने इंस्पेक्टर साहब को सारी बातें बताई कि कैसे सेठ धनियालाल पेट्रोल महंगा और कम बेच रहा है और अब तो उसने मिलावटी पेट्रोल भी बेचना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर बोला, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और उस धनियालाल की चेकिंग करते हैं। वो सब धनियालाल के पेट्रोल पंप पर पहुँचे। धनियालाल इंस्पेक्टर को देखते ही चौंक गया और उसने बोला, इंस्पेक्टर साहब धन्य भाग हमारे, आप हमारे यहाँ पधारे, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया?
मेरे को ही बुला लिया होता। दरिया लाल, गांव वालों की तरफ से तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन है, तुम महंगा कम और मिलावटी पेट्रोल बेच रहे हो। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। धनिया लाल, वो तो मैं चेक कर लूंगा। धनिया लाल बहुत ही शातिर आदमी था, वो तभी इंस्पेक्टर को बहाने से अपने ऑफिस में ले गया। वहाँ उसने इंस्पेक्टर को एक नोटों की गड्डी दी और बोला, इंस्पेक्टर साहब आप हमारा ध्यान रखो और हम आपका ध्यान रखेंगे। इंस्पेक्टर एक लालची आदमी था, वो धनिया लाल से पैसे ले लेता है और गांव वालों को बोलता है, हमने चेक किया है, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हो रही और धनिया लाल जी एक ईमानदार आदमी है। गांव वाले निराश हो गए, अब उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। सोहन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसे शक था कुछ तो गड़बड़ है और उसने ठान ली वो इस समस्या का हल निकाल कर ही रहेगा कैसे भी। वो रोज आता और पेट्रोल के रेट की चोरी से फोटो खींच लेता अपने फोन में और फिर जाके इंटरनेट पर देखता कि बाकी जगह क्या क्या रेट चल रहे हैं पेट्रोल के और उन्हें भी सेव करके रख लेता। ऐसे ही एक दिन उसने देखा इंस्पेक्टर धनिया लाल के ऑफिस में आया है और वो चोरी से सब देखने लगा और जो उसने देखा उसे वो देख के दंग रह गया। धनिया लाल और इंस्पेक्टर मिले हुए हैं। धनिया लाल हर महीने इंस्पेक्टर को पैसे देता है ताकि वो उसके खिलाफ कोई एक्शन ना ले। सोहन ने चालाकी दिखाई और इस सब की अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड कर ली। सोहन ने अब तक सेठ धनिया लाल के काले कारनामों के सबूतों की फाइल तैयार कर ली थी। फिर सोहन अगले ही दिन उस फाइल को लेकर डीएम के दफ्तर पहुंच गया और उसने सारी बात डीएम साहब को बताई और सारे सबूत जमा करे। डीएम साहब ने देखा और प्लान बनाया। जिस दिन ये इंस्पेक्टर धनिया लाल के यहाँ पैसे लेने जाएगा उस दिन उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेंगे। इस तरह एक महीना बीतता है और इंस्पेक्टर धनिया लाल के यहाँ पैसे लेने जाता है। उसी समय डीएम साहब वहाँ रेड मार देते हैं और धनिया लाल और इंस्पेक्टर को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। डीएम साहब धनिया लाल और इंस्पेक्टर को कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट धनिया लाल का पेट्रोल पंप बंद करा देता है और उसे 5 साल की जेल की सजा सुना देता है और इंस्पेक्टर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। जज डीएम को आदेश देते हैं कि गांव में एक सरकारी पेट्रोल पंप खोला जाए। कुछ समय बाद गांव में एक सरकारी पेट्रोल पंप खुल जाता है जहां एक ईमानदार मैनेजर रखा जाता है। दोस्तों इससे हमें ये सीख मिलती है कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये आज की कहानी, हमें कमेंट्स में बताइए। और ऐसी ही और मजेदार स्टोरी सुनने के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। Thank you.